सहयोग और सहयोग के लिए हमेशा उम्मीद है और रहेगी। सबके के साथ इससे कोई भी मैंने कोई जो भी हो जिससे आंखों को ठेस लगी हो उसके लिए तो यहाँ पे सब कुछ तो निपट गया था, काफ़ी अच्छा निकला है। बस ये गाड़ी तैयार हो रही है, इसमें पापा की विदाई होगी तो यही ऑफिस वाले ही लेकर जाते हैं, यही रूटीन होता है। हम लोग जा रहे हैं पहले ही निकल के घर पे क्योंकि थोड़ा बहुत सा काम है वो सारे निपटा लेते हैं, उसका मतलब खराब हो। फिर वहाँ से तो बासुर हम आ चुके हैं अंदर घर से और हाँ ठीक है नहाना तो वही नहाने वाने का हो रहा है। हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाया इतनी जल्दी अंदर बाहर जाने के लिए। बाकी जाते हैं अंदर, बता देते हैं जैसा भी हो रहा है। आधे घंटे में पापा आ जाएंगे तो देखते हैं। यहाँ तो तैयारियाँ चल रही है भाई, तैयार हो गए सबके साथ। अब यहाँ से मुझे प्लेटें संभालने का काम मिल गया। इनकी ख़राब थी, इनकी सही कर दी, इनकी ख़राब थी, इनकी सही कर दी। अब इनकी बारी है, दिखाओ यार। तो ऊपर मैं थोड़ा बहुत देखने के लिए आ गया क्या हो रहा है। नहाने जा रहा था बस उसी में निकल के आ गया। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ ना करते हैं, नहीं तो दोहरा काम हो जाता है ना, इस वजह से। दोहरा नहीं होना चाहिए काम, एक बार में सटीक होना चाहिए। क्या दादी नहीं अभी नहीं, आने वाले हैं थोड़ी देर में, आने वाले हैं थोड़ी देर में। अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, धांसू 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 लग रही हो। तुम मुझसे दुगना लग रहे हो। मैं कहाँ दुगना लग रहा हूँ, मैं तो पहना कपड़ा ही। बाकी पीछे की अपडेट पूरी मैं देता रहूँगा। सब लोग थाली वाली सजा रहे हैं, स्वागत के लिए जो आनी है लेटी भी लगी हुई है। तो मौसा जी रेडी हो चुके हैं आराम से और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं अभी खोलना नहीं है, बस ऊपर से चेक कर दो, जब आएंगे लोग तो खोल देंगे। तो विनिया भी चेक कर रहे हैं बस। अरे यार ये तो बहुत सुंदर बना दिया इसने। बाकी सब रेडी हो चुके हैं, सब के सब उस कमरे में। कहाँ चले जाऊँ, कहाँ जाने के लिए? हाँ आपकी फोटो आ गई। लो बुक्की पी लो। और देखो मौसा जी सब तैयार हो गए, विनिया भी पहुँच चुके हैं। और मौसा जी तो अपना सबसे पहले मौसा जी रेडी हो गए। बाकी चलते हैं, कुछ पापा आने वाले हैं। इसे पहचान रही हो? इनसे मिलो, मेरी बेटी गुड्डी की बेटी। अच्छा बैठो। दादी उसको तो गले मिल रही हो हमसे पक्षपात। दादी इनकी बुक्की भी खाओ, बुक्की खाओ, बुक्की खा लो, बुक्की। अरे क्या, अरे खुशी को बहुत उससे करा था। इनसे मिलो, ये कौन है? मेरे पति अशोक। बैठो। अरे अरे करते इनको, बच्चों को दिन भर से पूछ रही है। ओ, दे दो मम्मी बस। अच्छा तो हैप्पी रिटायरमेंट डे। खाने की पहली थाली वही चेक करी है तो वही कर रहे हैं। और ये ठीक से ऐसे लग रहा पापा में बहुत चेहरा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा था अच्छा। डी जी अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अंकल जी आपका डांस है आज, आज डांस है आपका हमारे साथ। पिछली बार वादा था आपका, वो करिए। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने इस अवसर में आप क्या कहना चाहेंगे मामा जी के रिटायरमेंट? बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने अथक प्रयास से आज यहाँ तक पहुँचे। ईश्वर जो है सेवानिवृत्त भाई वाले इनका जीवन सुखमय बनाए रखे। जिनको नहीं पता, बुआ पापा की छोटी बहन है। दादी जी प्रणाम। कैसी हैं? ठीक है। हेलो, हमारी ताई जी है, इन्होंने सेंचुरी लगा ली है। दादी कितनी उम्र हो गई आपकी? सुनाई नहीं पड़ेगा। 102 साल की हो गई दादी। कोई परिवर्तन नहीं आया। नमस्ते दादी। दादी घबरा गई क्या मुझे देख के? नमस्ते कर रहा, नमस्ते नमस्ते कर रहा। हाँ दादी कितने साल की हो गई हो आप? कितने साल की हो गई हो? हाँ 100 साल पर पहुँच गई। 100 साल पर पहुँच गई। 102 साल। 102। हाँ हमारा बड़ा भाग्य है जो सब लोग देखने को मिल गया। जी जी ये कहानी है। एक गोड़ी और है, एक गोड़ी हमारे घर में है। अब तो तुम्हारे पाएगा नहीं। याद है बिहारी लैंग्वेज है ना ये किसका है? किसका है ये? लाओ नौजी से निकाल दो, नौजी से निकाल दूँ। लाओ ऐसी बात ना है। तो बस पापा के स्टाफ के लोग अब सब जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और क्या खाओगे? रायता है, रायता खा लो। रायता है? हाँ रायता तो खा लोगे। नहीं थोड़ा सा खा लो। ये पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, आलू आलू है, नहीं ये पनीर की सब्जी है। Twinkle little star, how I wonder what you are. Like a diamond in the sky. अच्छा उर्दू वाली सुना दो। Red color. Where are you? Here, mom. आप तो आए नहीं? चाची। तो जिनको नहीं पता वो हमारी चाची हैं और ब्लॉग बहुत देखती हैं हमारे, है ना? फॉलो कर रही है, सब चाची के बच्चे हैं। ये भी वो तो चाचा जी, वो भी है, वो है चाचा जी, ये भी। बताइए फिर कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया, मज़ा आया जी। लेकिन आप 3 दिन बाद आई हो, 3 दिन बाद वही तो। अरे हाँ यार, ये तो बताया नहीं। अच्छा, जंगल करके रख दोगे ना तो पता नहीं पाओगे कौन। 3 बच्चों की मम्मी है और एक हस्बैंड की पत्नी है। 3 बच्चों की मम्मी है, बता नहीं पाओगे। लेकिन अंदर ऐसे छुपा दो तो बता नहीं पाएगा कोई अंदर। इसको देख रखा होगा कई लोग, लेकिन वैसे नहीं जानते होंगे। पहाड़ी नोनी है ना इसका इंस्टाग्राम, उस पर फॉलो कर लेना जाके, बहुत सही रील्स बनाती है। आंटी हैं, इन्हें तो जानते हो, चाची हैं आप। चाची और कौन चाची, और कितनी चाची हो रखी है यार। तो बस ऑलमोस्ट लोग खा पी के जा चुके हैं और मतलब कुछ गेस्ट बचे हुए हैं, बाकी तो हम फैमिली मेम्बर्स ही हैं। तो बैठ के भी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती होने वाली है। फिलहाल मैंने एक वीडियो एडिट करके पहली अपलोड पर लगा दी थी, बाकी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ पूरे दिन के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाबा का रिटायरमेंट डे तो मतलब इतना यादगार रहने वाला है ना, इसकी कोई जवाब ही नहीं। फिलहाल सब लोग जा रहे हैं तो विदा कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मिसेस कुसुम बटोला, व्हाट हैपेंड? पैर दर्द हो रहा है बहुत। क्यों? क्यों? अरे ऊपर नीचे करते 3 राउंड नहीं है बेटा। कितने? 5-6 राउंड हो गए, तो इसका मतलब 12 मजाक कर रहा है। 3 राउंड नहीं, सभी के ऊपर नीचे हो रहा है। देख रहे हो, सब लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो बस फंक्शन सही से निकल गया यार, और यही चाहिए। तो बढ़िया ही है, बस अब खाने वाले बैठेंगे सबके साथ, तो फिर मिलते हैं खाने वाली टेबल पर। अभी क्या इंतजार कर रहे हैं, दिखेगा यार, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। तो केटरिंग का जितना था ना वो भैया ने किया हुआ था, सारे अरेंजमेंट जितने भी थे काफ़ी बढ़िया था। खाने का भी बहुत सही था। आदरणीय डीएसएम साहब एवं हमारे उपस्थित सभी कर्मचारीगण भाई, आप सभी का हम हृदय से आभारी हैं। आपने हमारे रिटायरमेंट के अवसर पर ये विदाई समारोह का आयोजन किया है और साथ में ऑफिस में तथा हमारे घर पर आप लोग भोजन में उपस्थित हुए, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। सभी साथी कर्मचारीगणों एवं अधिकारियों के साथ हमारा सेवा का बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे सेवा काल के दौरान यदि कोई भी बात जिससे आप लोगों को ठेस लगी हो या आप लोगों को हमारी बात नहीं अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। हमारे सेवानिवृत्ति के अवसर पर जिन्होंने भी हमें बधाइयाँ दी एवं हमारे सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारे घर पर उपस्थित सभी परिवारजनों का हम हृदय से आभारी हैं।